मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं एक ज्वेलरी आर्टिस्ट और एजुकेशनिस्ट हूँ। मेरी ड्राइंग को देखते हुए मुझे कुछ टीचर्स ने, खासतौर पर R.M.Naeem साहब, इज़ अ वेरी फेमस विजुअल आर्टिस्ट, उन्होंने सजेस्ट किया कि यू शुड गो टूवर्ड्स NCA। आई थिंक आई वॉज लकी एनफ कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने मुझे आगे गाइड कर दिया कि आपको इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए। एक जर्नी है, मैंने एक मटेरियल देखा, उस मटेरियल के अंदर मुझे एक सर्टन प्रॉपर्टी नज़र आई, वो एक सर्टन वो उसकी सॉफ्टनेस है, उसकी उसकी एक शाइन है, उसकी एक खूबसूरती है। उस चीज़ को मैंने यूटिलाइज़ करते हुए और अपने एस्थेटिक्स को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हुए मैंने चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की। मटेरियल है, मसलन मुझे एक इंटरेक्शन होता है नए मटेरियल से, जैसे स्टेनलेस स्टील है, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर नॉर्मली काम करना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो उस मटेरियल को, उस मीडियम को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने जो भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसको मैंने यूटिलाइज़ किया। मेरा नाम अमना मंजूर है और मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से 2013 में पास आउट किया था। मेरा काम जो है वो बेसिकली कंडीशनिंग और ट्रेनिंग है एक लड़की की या एक औरत की, कि किस तरह से हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली बर्थ से लेके एंड तक हमें ट्रेन करती हैं, हमारी कंडीशनिंग करती हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं सिल्क का धागा और सिल्क ककून जो होता है उसको पेंट करती हूँ अपने काम में, कि जो धागे हैं वो किस तरह से आपको बना रहे होते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको इरिटेट भी कर रही होती है, कि वो धागे बना भी रहे हैं और वही आपको उलझा भी रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मिल के बैठ के कोई काम किया जाए तो वो उसमें ज़्यादा वो होता है, आपको एक दूसरे को देखकर आप थके भी होते हैं फिर भी आपका दिल करता है चलो वो अभी तक बैठे हुए हैं तो मैं भी बैठ जाती हूँ 10 मिनट और थोड़ा सा और, तो इस तरह से थोड़ा सा काम में थोड़ा सा जो है ना स्पीड आई। इन फ्यूचर मैं भी ये प्लान कर रही हूँ कि आफ्टर माय मास्टर्स मैं थोड़ा सा टीचिंग से थोड़ा सा हटके अपने काम को ज़्यादा टाइम दूँ। आई थिंक हमारे फ्यूचर गोल तो यही है कि काम करते हैं उसके अंदर कोई नई इनोवेशन लेके आए, उसके अंदर मज़ीद मेहनत करें, दैट कैन बी अप्रिशिएटेड।